protect your drawing under ₹20. Hey guys, this is Sumedhan. In today's video, I am going to tell you how you can protect your drawing under ₹20. आप drawing को protect रखने के लिए, safe रखने के लिए कई सारे तरीके होते हैं. आप उन्हें अपने display book के अंदर रख सकते हो, आप उन्हें frame करा सकते हो. But अगर आपको अपने drawing को अगर कह लो loose papers के साथ रखना है, या फिर आपको अपने drawing को drawing copy में रखना है, तब आप उसे कैसे प्रोटेक्ट करोगे, तो वही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने ड्राइंग को फिक्स कैसे कर सकते हो, या फिर हम लोग खुद हैंडमेड या कह लो होममेड स्प्रे कैसे बना सकते हैं ₹20 या कह लो एकदम मिनिमल कॉस्ट में, तो वो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मार्केट में कई सारे फिक्सेटिव स्प्रे हैं जो आप इजीली यूज कर सकते हो एंड दे कॉस्ट अराउंड ₹200, ₹300, ₹400, ₹500, ₹600, ₹1000 तक के फिक्सेटिव स्प्रे आते हैं. अब जो मैं यूज करता हूँ वो ये वाला फिक्सेटिव स्प्रे है. तो ये काफी अच्छा फिक्सेटिव स्प्रे है, इसे मैं लास्ट 1 or 1.5 ईयर से यूज कर रहा हूँ एंड दिस इज आई गेस माई 3rd or 4th बॉटल एंड दिस इज अ क्वाइट गुड स्प्रे. आप इसे इजीली आराम से अपने ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसे स्मज प्रूफ बना सकते. बट इससे पहले जो मैं अपने ड्रॉइंग के ऊपर अप्लाई करता था वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मेरे को मेरे ड्रॉइंग सर ने बताया था एंड आई यूज दैट फॉर मेनी ईयर्स टू प्रोटेक्ट माई ड्रॉइंग एंड अभी भी मेरे सारे ड्रॉइंग उसी तरह से है. अब आपको अपने ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए ये तो कोई टॉपिक है नहीं डिस्कस करने का, बट आई विल टेल यू दैट वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर ड्रॉइंग. आप अब जब एक ड्रॉइंग बनाते हो यू गिव योर डेज टू इट, यू गिव योर वीक्स टू योर ड्रॉइंग. सो आप अपने लाइफ का एक पार्ट दे रहे हो अपने ड्रॉइंग के ऊपर एंड अगर वो ड्रॉइंग आपके लाइफ टाइम उसी तरह से नहीं रहा, अगर वो आज जैसा दिख रहा है, आज से ठीक 10 साल बाद वो ड्रॉइंग अगर वैसा नहीं रहा, then that is not a good thing. So you need to start protecting your drawing. Because मैंने अपने कई सारे drawing में ये गलती की कि मैं अपने drawing को protect करना भूल गया, कह लो fixative spray apply करना भूल गया, तो मेरे कई सारे drawing इसी के चक्कर में बर्बाद हो चुके हैं and वो kind of बोल सकते हो कि वो फेड हो गए हैं एंड उसमें अब वो चार्मिंग नहीं रहा, वो शाइन नहीं रहा जो जब मैंने उसे बनाया था उस टाइम पे था. तो जो मैंने गलती की आई थॉट ऑफ शेयरिंग विद यू ऑल. तो अगर आप इसे एज अ बिगिनर देख रहे हो या फिर अगर आप एज अ आर्टिस्ट देख रहे हो जो अपने ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो जस्ट टेक माई सजेशन एंड स्टार्ट डूइंग दिस थिंग. बिकॉज अगर आप ये नहीं करोगे देन यू विल रिग्रेट इन फ्यूचर दैट मैंने ऐसा क्यों नहीं किया. सो अब जो फिक्सेटिव स्प्रे का रोल होता है वो आपके ड्रॉइंग को स्मज प्रूफ बनाना होता है एंड वी आर गोइंग टू मेक अ होम मेड फिक्सेटिव स्प्रे, जिसके लिए आप लोगों को चाहिए एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल एंड अ फेविकॉल. सो वी ऑल नो अ फीचर ऑफ फेविकॉल. अ फेविकॉल हैज गॉट अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. इसे जब हम अप्लाई करते हैं तब तो ये ओपेक होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. सो इसको हम लोग यूज करने वाले हैं वाटर के साथ मिक्स करके. सो अब ये वो चीज है जो आपको मार्केट से परचेज करना है टू मेक योर फिक्सेटिव स्प्रे. अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. जब आप मार्केट से ये परचेज करने जाओगे एक स्प्रे बॉटल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका जो ये पॉइंट है जहां पर से आपका स्प्रे निकलेगा, तो आप मेक श्योर करना कि वो काफी ज्यादा छोटा हो, जिससे आपको एकदम स्मॉल पार्टिकल्स में आपके स्प्रे बाहर आए. बिकॉज अगर ये आपका जो स्प्रे है अगर वो मोटे मोटे ड्रॉपलेट्स में बाहर आएंगे तो आपके ऊपर ड्रॉइंग ऊपर जाएंगे, तो वो आपके ड्रॉइंग को इफेक्ट करेगा. अगर बोल सकते हो चारकोल ड्रॉइंग है या फिर अगर आपका ग्रेफाइट ड्रॉइंग है, तब भी वो थोड़ा सा तो इफेक्ट करेगा ही, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में बाहर, जिससे कि आपका जो स्प्रे है वो एकदम स्प्रे की तरह वर्क करे. अब फिक्सेटिव स्प्रे बनाने के लिए आप लोगों को चाहिए फेविकॉल एंड एक स्प्रे बॉटल. अब एक और चीज जो हमें चाहिए वो है H2O, मतलब पानी. अब हमें करना क्या है कि हमें अपने स्प्रे बॉटल है उसमें थोड़ी सी फेविकॉल पुट करनी है. सो हमें इसे ज्यादा पुट नहीं करना, बोल सकते हो कि हमारा जितना वाटर का क्वांटिटी रहेगा उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% हमें इसे पुट करना है. सो अब ये एनफ है इस साइज के बॉटल के हिसाब से. सो अब हम इसमें डालने वाले हैं थोड़ा सा पानी. सो इसे हमें अब अच्छी तरह से शेक कर लेना है. मैंने इसमें से पानी थोड़ा सा कम कर दिया, मैंने थोड़ा सा इसे ओवर फिल कर दिया था. अब आपको इसे अच्छी तरह से शेक कर लेना कि हमारा जो ग्लू और पानी है वो मिलकर 100% हो जाए एंड दोनों अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए, जिसे हम एक अच्छी तरह से फिक्सेटिव स्प्रे में यूज कर पाएंगे. अब जब हमने इसे अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लिया है, जब हमारा ग्लू एंड पानी जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो चुका है, सो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों को एक ऐसा बॉटल लेने के लिए क्यों कहा था जिसका ये जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा छोटा हुआ है एंड इसमें जो पार्टिकल्स है वो बहुत छोटे फॉर्म में निकले. अब जैसा कि हमारा ये वाला जो स्प्रे बॉटल है इसे जब हम स्प्रे करते हैं
तो ये कुछ इस तरह का पार्टिकल निकलता है जो काफी ज्यादा छोटा होता है। तो सेम इसीलिए मैंने आप लोगों को ऐसा बॉटल यूज करने बोला था जिसका आगे वाला पॉइंट है उसमें से भी हमारा कुछ उसी तरह से निकला था। हमने जब इसे अच्छी तरह से शेक कर लिया है तो अब जब हम इसे स्प्रे करेंगे तो ये भी देख सकते हो कि ये भी उसी तरीके से निकल रहा है। सो वी मेड इट। सो गाइज नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई कि हमारा जो स्प्रे है वो अच्छी तरह से वर्क करता है कि नहीं। सो ये मेरे हाथ में ये चारकोल स्टिक है तो इसे मैं अपने पेपर पर अप्लाई कर रहा हूँ। नाउ लेट्स ब्लेंड इट। थोड़ा सा और अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा और ब्लेंडिंग कर लेते हैं। अब जब हम अपने ड्राइंग के ऊपर फिक्सेटिव अप्लाई नहीं करते तो जब हम उसे रब करेंगे या फिर हमारा ड्राइंग जब कोई और चीज़ से सटेगा तो उसके ऊपर कुछ ऐसा पार्टिकल्स आ जाते हैं। ये चारकोल है सो ये चारकोल भी इस तरह से लगता है एंड हम ग्रेफाइट भी करेंगे तो वो भी सेम इसी वे में हमारे ड्राइंग के ऊपर होता है एंड हमारा जो ड्राइंग है वो डैमेज होता है। सारा जो हमारा एक्सेस चारकोल पार्टिकल है उसे हम अपने पेपर से रिमूव कर लेंगे। नाउ लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम जब भी फिक्सेटिव अप्लाई करेंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखें, आप उसे अच्छी तरह से शेक कर लो। तो नाउ लेट्स अप्लाई ऑन इट। सो अब हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। नाउ लेट्स वेट फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स टू लेट इट ड्राई एंड उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस हमारा 15 मिनट्स ओवर हो चुका है और हमारा जो फिक्सेटिव है वो भी एक्चुअली होममेड फिक्सेटिव है, वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। सो नाउ लेट्स ट्राई कि ये चारकोल है वो पेपर से निकलता है कि नहीं। सो ये जो पहले मैंने अप्लाई किया था उस टाइम का चारकोल लगा हुआ है ना, हम लोग इस फिंगर से ट्राई करने वाले हैं चारकोल बाहर आता है कि नहीं। तो इसके मैं ऊपर पूरा प्रेशर लगा के अप्लाई कर रहा हूं, जीरो चारकोल। थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। सो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने सिंपल मेथड यूज करके घर में ये फेविकॉल एंड ये वाटर का यूज करके कैसे हमने एक होममेड फिक्सेटिव स्प्रे बना लिया। सो मुझे इन दोनों फिक्सेटिव स्प्रे में, ये वाला एंड ये वाला फिक्सेटिव स्प्रे में ज्यादा कुछ डिफरेंस लगता नहीं है। सो क्वालिटी तो थोड़ा सा डिफर होगा, ये 200 का बॉटल है ये एंड ये हमने घर में ऑलमोस्ट 20 रुपीज में बनाया, तो क्वालिटी में जो थोड़ा सा अलग फर्क आएगा ही। बट अगर आप इसे एज अ कम कॉस्ट में यूज करना चाहते हो, अगर आप एज अ बिगनर है अपना ड्रॉइंग को प्रोटेक्ट करना चाहते हो अपने फ्यूचर के लिए, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बिकॉज जैसा कि मैंने आप लोगों को इसका डेमो भी दिखाया, चारकोल एकदम ही आपके पेपर से बाहर नहीं आ रहा था एंड अगर चारकोल नहीं आ रहा तो ग्रेफाइट तो और ही नहीं आएगा। आप इसे आराम से पेस्टल में भी यूज कर सकते हो, जहां पर आप इसे यूज कर सकते हो वहां पर आप इसे भी यूज कर सकते हो। अब अगर क्वालिटी को साइड रख के देखा जाए तो इन दोनों में बस दो डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है ये 200 का है एंड ये अप्रॉक्स 20 रुपीज का, एंड जो दूसरा डिफरेंस है आप इसको एक फ्लो में अपने ड्रॉइंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, जैसे आप परफ्यूम अप्लाई करते हो एकदम एक बार में एक फ्लो में, उस टाइप में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें आपको एक लिमिटेशन आया थी कि आपको इसे पार्ट बाय पार्ट करके अप्लाई करना पड़ता बिकॉज आप इसे वन गो में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो बस यही वो डिफरेंस है जो इन दोनों में है, आप लोग इसको बना सकते हो आराम से घर में यूज कर सकते हो। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, कुछ रिव्यू दिया कुछ सजेशन दे रहा हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो एंड अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली ऐसी वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।